भाई, when you talk about cell membrane is nothing but a covering, जो कि जो कि कवरिंग है साइटोप्लाज्म पर, और ये कवरिंग सेपरेट करती है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के कंटेंट से, सही है? यानी कि एक सेपरेटर है, एक सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक सेपरेटर है. तो सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ साइटोप्लाज्म एंड इट्स मटीरियल व्हिच बाउंड इट एंड डू नॉट लेट इट टू डिफ्यूज आउट. सेल मेम्ब्रेन के बारे में कह रहे हैं दैट्स मेड अप ऑफ फोर मेन कंपोनेंट्स, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड कोलेस्ट्रॉल. सेल मेम्ब्रेन जो है वो फ्लूइड मोजाइक मॉडल की बनी हुई होती है. सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड होता है जिसका हेड आउटसाइड प्रोट्रूड आउट कर रहा है दोनों साइड से, और टेल जो है वो बीच में मौजूद है. टेल हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है और हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, सही है? फिर यहाँ पर आपके पास कैरियर प्रोटीन आ जाता है, इसी तरह से आपके पास चैनल प्रोटीन आ जाते हैं, या इस तरह के और बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि बीच में इंटरमीडिएट बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल भी है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद है, यानी कि लिपिड के अलावा टोटल और तीन चीजें मौजूद होती हैं. एक फॉस्फोलिपिड है, इसके अलावा तीन चीजें और कौन कौन सी हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल. ये पूरा स्ट्रक्चर फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहलाता है. उसको फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहने का मकसद ही यही है कि भाई ये जो ये जो फॉस्फोलिपिड्स है ना, ये डिफ्यूज होते हैं. एक फॉस्फोलिपिड अपनी लोकेशन, अपनी जगह किसी दूसरे फॉस्फोलिपिड से स्वैप कर सकता है. ये स्वैपिंग चलती है एक ही लेयर के अंदर रहते हुए, यूनी लेयर में रहते हुए स्वैपिंग चलती है. और ये स्वैपिंग जो है ये एक तरह से डिफ्यूज होने का नाम है. फॉस्फोलिपिड फॉर्म्स अ बायरियर स्ट्रक्चर जिसकी वजह से इधर एक तरफ डिफ्यूजन चल रही है और ऊपर एक तरफ डिफ्यूजन चल रही है. फिर कोलेस्ट्रॉल इंटरमीडिएटली मौजूद है जो कि फर्दर और डिफ्यूज करवाएगा या डिफ्यूजन को कंट्रोल करेगा, सही है? फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर आ जाता है जिसके अंदर एक हेड है. हेड आपके पास पोलर होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, वाटर अट्रैक्ट करता है. दूसरी तरफ आपके पास टेल मौजूद होती है, टेल हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, वाटर रिपेल करती है. एक सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, एक अनसैचुरेटेड का होता है. जहां पे अनसैचुरेटेड है वहां पे डबल बॉन्ड मौजूद होगा, जहां डबल बॉन्ड मौजूद होगा वहां पे किंक डेवलप हो जाएगा जो कि एक स्लाइट सा टिल्ट होता है. टिल्ट की वजह से आपके पास मूवमेंट डिफ्यूजन बढ़ जाती है. हेड जो है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप का होता है, इसके ऊपर चार्जेस होते हैं फॉस्फेट आयन की वजह से, और ये अट्रैक्ट करता है वाटर को जिसकी वजह से इसको हाइड्रोफिलिक इन नेचर कहा जाता है. ये कंटेन करता है दो चेन्स ऑफ फैटी एसिड टेल्स में, फॉस्फोलिपिड की टेल में दो चेन्स ऑफ फैटी एसिड है, एक सैचुरेटेड होता है, दूसरा अनसैचुरेटेड होता है, एक आपके पास फिर हाइड्रोफोबिक नेचर रखता है. ये रिपेल करते हैं वाटर को, किसको रिपेल कर रहे हैं, ये वाटर को. टेम्परेचर इंक्रीज होगा बेटा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो फॉस्फोलिपिड की मूवमेंट बढ़ जाएगी, तो फ्लूइडिटी बढ़ेगी यानी कि डिफ्यूजन बढ़ेगा. दूसरी तरफ फिर आप क्या साथ है, कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक और लिपिड मॉलिक्यूल, साइज में छोटा होगा लेकिन हेड वैसे ही मौजूद है इसका, पोलर और टेल वैसे ही मौजूद है इसकी, नॉन पोलर लेकिन एक ही टेल है. अनलाइक फॉस्फोलिपिड जिसमें दो होती है, इसके अंदर एक ही टेल होती है, स्मॉल इन साइज होता है, सिंगल टेल होती है, प्लेज अलोंग विद द फॉस्फोलिपिड, यानी कि पैरेलल मौजूद होगा, हेड टू हेड और टेल टू टेल पैरेलल मौजूद होगा, सही है? एनिमल सेल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल कम क्वांटिटी में होता है और प्रोकैरियोट के अंदर नहीं होता है, सही है? कोलेस्ट्रॉल हेल्प्स टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्टेबिलिटी एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ बाय रिड्यूसिंग द फ्लूइडिटी, प्रिवेंट सेल फ्रॉम बर्स्टिंग ऑफ. कोलेस्ट्रॉल की वजह से वैसे तो मेन फर्क बर्स्टिंग ऑफ वाला जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो तो आपके पास कह लें कि आपकी सेल वॉल होती है, आपके पास तो है नहीं होती, प्लांट्स के पास होती है जो कि सेल को बर्स्ट नहीं होने देती. लेकिन अब जाहिर सा इनका सेल वॉल नहीं है, उन्हें भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना ताकि सेल बर्स्ट ना हो, तो वो फ्लूइडिटी बढ़ाते हैं, तो वो फ्लूइडिटी बढ़ाते हैं या कंट्रोल करते हैं किसकी मदद से, कोलेस्ट्रॉल की मदद से, सही है? फिर आपके पास आता है ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटीन. तो भाई ये बनाते हैं आपके पास जब ग्लूकोज प्लस प्रोटीन जुड़ जाते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन, और जब ग्लूकोज प्लस लिपिड जुड़ जाते हैं तो ग्लाइको
लिपिड, इसमें रिसेप्टर होता है। भाई रिसेप्टर कौन है? रिसेप्टर वो है जो कि रिसीव करेगा किसी भी केमिकल एजेंट को, कोई भी लाइगेंड आके इसके ऊपर, इसको लाइगेंड कहते हैं, जो केमिकल एजेंट इसके ऊपर अटैच होगा उसको लाइगेंड कहते हैं। कोई भी केमिकल एजेंट लाइगेंड आके, जैसे कि मिसाल के तौर पर हार्मोन, मिसाल के तौर पर इंसुलिन आके इस रिसेप्टर पे लगेगा, वो अंदर एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन, यानी कि सीरीज ऑफ रिएक्शन, एक के बाद एक होने वाले रिएक्शन को इनिशिएट करेगा, और वो डीएनए जो है ना वो प्रोटीन बना देगा, वो प्रोटीन जो है ना वो चैनल बना के उस मेम्ब्रेन के ऊपर लग जाएगा, और वो क्या करेगा, अंदर ग्लूकोज को बुला लेगा, दैट्स इट। ठीक है, फिर इसी तरह से आपके पास जब रिसेप्टर की बात होती है, तो रिसेप्टर जो है ना ये बाइंड करते हैं विद अ पर्टिकुलर सब्सटेंस टू गिव ऑफ अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स। हमारे पास यू समझ लो कि सेल सिग्नलिंग करवाने का काम मेन रिसेप्टर्स का, इनिशिएट करवाना भी रिसेप्टर के हाथ में, कौन सा रिएक्शन कब करवाना है ये भी रिसेप्टर के हाथ में। सेल को सेल रिकॉग्नाइज कर सकता है, किसकी मदद से कर सकता है, इसी सेल मेम्ब्रेन की मदद से कर सकता है। सेल मेम्ब्रेन पे रिकॉग्नाइज करने के लिए बहुत सारे क्या मौजूद होते हैं, अब इसके अंदर तुम्हारे पास ये जो एंटीजन मौजूद है इनको सेल सरफेस मार्कर्स भी कहा जाता है, सेल की पहचान करवाने वाले एलिमेंट्स होते हैं ये, और ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं अगेन वैसे ही बिल्कुल जैसे कि बाकी स्ट्रक्चर्स के अंदर हमने ऑब्जर्व किया था। सही है, ये रिकॉग्नाइज करेंगे कि भाई कौन सी टाइप का सेल है। अब व्हाइट ब्लड सेल इसी के जरिए से काम कर रहे होते हैं, अब अगर वो रिकॉग्नाइज कर लेंगे कौन सी टाइप का सेल है तो वो उसको या तो मारे, और अगर अपनी बॉडी का सेल होगा तो फिर नहीं मारेंगे, अगर कोई फॉरेन सेल होगा तो फिर मारेंगे, और मारने के बाद जो है ना उसको इनगल्फ करना, और ये सारा प्रोसेस जो इनिशिएट होता है ना वो इन्हीं रिसेप्टर्स की वजह से कह लो, या इन्हीं सेल मार्कर्स, या जो एंटीजन जिनको आप कह रहे हैं, या जो भी सेल रिकॉग्नाइजर आप जिनको कह रहे हैं, इन्हीं की वजह से होता है। इसमें फिर दूसरा एलिमेंट आता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में क्या होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं जो कि बेसिकली अलाउ नहीं करते वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस को कि वो मेम्ब्रेन क्रॉस करें। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन इसलिए मौजूद है ताकि जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकते वो इनमें से गुजर जाए, यूं कह लो ज्यादा बेहतर रहेगा, इफेक्टिव वर्ड्स होगा। आप ये कह लें कि भाई क्योंकि मेम्ब्रेन बनी हुई है लिपिड की मेजरली, और मेम्ब्रेन जो है वो जिस लिपिड की बनी हुई होती है वो फॉस्फोलिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड जो है वो क्योंकि नेचर वाइज लिपिड है वो अलाउ नहीं करता वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस क्योंकि मेम्ब्रेन क्रॉस की जाए, तो उसको क्रॉस करने के लिए वहां पे चैनल प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन मौजूद होते हैं। सही है, अब ये प्रोटीन आपके पास फैसिलिटेट डिफ्यूजन करवाएंगे या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाएंगे। अच्छा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाने वाले ज्यादातर कैरियर होते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दोनों के थ्रू हो रही होती है। ठीक है, हम आगे चल के चैनल और कैरियर प्रोटीन का डिफरेंस भी पढ़ेंगे। इसके अलावा इसी मेम्ब्रेन में अटैच हमारे पास एंजाइम्स भी होते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम्स जो है ना वही कैस्केड ऑफ रिएक्शन, सीरीज ऑफ रिएक्शन के बारे में। कुछ एंजाइम्स ऐसे जो कि सेल के अंदर काम करें, कुछ एंजाइम ऐसे जो कि सेल के बाहर काम करें। जब आप बात करते हैं एंजाइम्स की, तो एंजाइम्स जो है वो सेल के अंदर काम करने वाले इंट्रा सेल्यूलर, सेल के बाहर काम करने वाले एक्स्ट्रा सेलुलर कहलाते हैं। सही है, यहाँ पर देखो ये कैस्केड ऑफ रिएक्शन, ये एग्जांपल्स दिए मैंने ना ऐसे समझाने के लिए। अभी कैस्केड ऑफ रिएक्शन कब इनिशिएट हो रहा है, जब कोई कैस्केड ऑफ रिएक्शन, अभी हमने पढ़ा था ना, ये कैस्केड ऑफ रिएक्शन इनिशिएट होता है जब कोई सेल सिग्नलिंग का प्रोसेस होता है। सही है, कैस्केड ऑफ रिएक्शन मतलब सीरीज ऑफ रिएक्शन, एक के बाद एक, ए से बी बन रहा है तो फिर बी सी में कन्वर्ट हो जाएगा और सी जब डी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कहलाता है कैस्केड ऑफ रिएक्शन या सीरीज ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर देखो ये एग्जाम्पल दी है इन्होंने इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद एक एंजाइम की, जिसके डायसैकेराइड को मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, मेम्ब्रेन के ऊपर लगा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन के माइक्रोविलाई के अंदर, और जैसे ही मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। सही है, एग्जाम्पल ये आ गई, किया गई, ये दोनों एंजाइम्स सेल के बाहर काम कर रहे हैं या तो सेल के अंदर काम कर रहे हैं। फिर आता है आपका साइटोस्केलेटन की एग्जाम्पल, साइटोस्केलेटन तो साइटोप्लाज्म में मौजूद प्रोटीन के फाइबर्स को कहा जाता है। फिर इसका सेल मेम्ब्रेन से क्या ताल्लुक, भाई सेल मेम्ब्रेन उन रस्सियों को बांध के रखती है, रस्सियों को, प्रोटीन फाइबर्स को, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को बांध के रखती है चारों तरफ से। मेम्ब्रेन जो है ना वो अपने अंदर हुकर्स लगाए हुए जिससे बहुत सारे प्रोटीन फाइबर्स कनेक्टेड है, और वो एक पूरा साइटोस्केलेटन बनाया, एक पूरा जाल बिछाया हुआ है उन्होंने सेल के अंदर,
जो इससे ऑर्गेनिज बाइंडेड होते हैं, वो अपनी जगह पे लोकलाइज्ड हो जाते हैं, सही है, और मूवमेंट होनी होती है तो इसी के थ्रू होती है। इसके बाद आपके पास सेल सिग्नलिंग के प्रोसेस की डिटेल आ जाएगी। पहले मुझे बताओ कि यहाँ तक सेल मेम्ब्रेन के अंदर सारे कंपोनेंट्स को डिस्कस किया, हमने साइटोस्केलेटन की बात करी, एंजाइम, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की, सेल टू सेल रिकॉग्निशन, रिसेप्टर्स, फिर कोलेस्ट्रॉल, बड़ी बड़ी चीजों को भी डिस्कस कर लिया, फॉस्फोलिपिड और ओवरऑल प्रोटीन। तो मुझे बताओ यहाँ तक की चीजें सारी क्लियर है कि मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है, उसका क्या क्या काम है। अब उसमें से हम एक प्रोसेस की बात करने जा रहे हैं, एक प्रोसेस है जिसको सेल सिग्नलिंग कहा जाता है, इसमें एग्जाम्पल दी गई है, सही है, कह रहे द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म बाय विच द सेल डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। बाहर ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है तो बॉडी इंसुलिन सिक्रेट करती है, सही है, इंसुलिन आके सेल पे बाइंड करता है और जो ग्लूकोज बाहर मौजूद होता है ना उसको अंदर भेजा देता है, सही है। अब जरा समझना, एक स्टिमुलस आ रहा है, स्टिमुलस क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल का इंक्रीज होना, ग्लूकोज बढ़ गया ब्लड में, स्टिमुलस के तौर पे पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा, पैनक्रियाज ने एक हार्मोन के तौर पे, हार्मोन भी हो सकता था, न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकता था, इसने हार्मोन रिलीज किया, इसने हार्मोन के तौर पे इंसुलिन रिलीज कर दिया। इंसुलिन लाइगेंड है, लाइगेंड यानी कि केमिकल एजेंट जो कि बाइंड करेगा किससे, रिसेप्टर से, ताकि अंदर एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन, एक सेलुलर रिएक्शन इनिशिएट करवाया जा सके। ये रहा इंसुलिन, ये जाके इस रिसेप्टर पे बाइंड करके रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा, एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट सीएमपी में, सीएमपी एक पूरा सीरीज ऑफ रिएक्शन करवाएगा, सीरीज ऑफ रिएक्शन में आपके पास एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम होता है, सीरीज ऑफ रिएक्शन में आपके पास क्या हो रहा है, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम हो रहा है, सही है। तो भाई रिसेप्टर से बाइंड होने वाला आपके पास, रिसेप्टर से बाइंड होने वाला आपके पास इंसुलिन एटीपी को कन्वर्ट कर रहा है सीएमपी में, इस प्रोसेस को ट्रांसडक्शन कहते हैं, बाहर के सिग्नल को अंदर के सिग्नल में कन्वर्ट करना ट्रांसडक्शन कहलाएगा ना, सही है। बाहर एक मैसेज चल रहा था, उसके हिसाब से अंदर एक मैसेज आ गया, उसको हम लोग कहेंगे ट्रांसडक्शन, ठीक है। अच्छा सुहैना बेटा बताना जरा ट्रांसडक्शन किसे कहेंगे, ट्रांसडक्शन क्या होता है, अभी अभी बताया, अभी जल्दी बताओ सर, है ना आगे पढ़ता है, शाहाना, ओके ओके सॉरी सॉरी शाहाना, बताओ बेटा, देखो समझ में आ गया ना उसे काफी है। शाहाना तुम कहाँ मसरूफ हो, फोन में काफी देर से मसरूफ हो, मैं बहुत दफा इग्नोर कर चुका हूँ, तुम्हें भी पता है बहुत दफा इग्नोर कर चुका हूँ। पक्का, चलो ओके। अब देखो भाई साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एक इंटरनल सिग्नल है, समझना बेटा शाना, बाहर से इंसुलिन आके लग रहा है, अंदर ये रिसेप्टर को एक्टिवेट कर रहा है, इस बाहर के मैसेज को अंदर के मैसेज में कन्वर्ट करने को ट्रांसडक्शन कहते हैं, सही है। जब एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए से बाहर के सिग्नल को अंदर ट्रांसमिट कर दिया जाए उसको ट्रांसडक्शन कहेंगे। अब वो कन्वर्ट होते 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 आके एक चैनल प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगा जो कि एक वेसिकल में लगे हुए थे, पहले से फिट हुए थे, बस वो वेसिकल उठता है, मेम्ब्रेन जाके लग जाता है, यानी कि जाके वो ओपन अप हो जाता है। जब वो ओपन अप होगा तो जो ग्लूकोज बाहर था, इसमें ग्लूकोज के चैनल से वो ग्लूकोज जो बाहर था वो अंदर आ जाएगा, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हो जाएगा विद इन द सेल। इस प्रोसेस को, इसके अंदर आने की वजह से आप कहेंगे कि रिस्पॉन्स मिल गया। रिस्पॉन्स क्या मिला, कि ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा ना बाहर ब्लड में, तो बेटा स्टिमुलस क्या था, ब्लड ग्लूकोज लेवल का ज्यादा होना, रिस्पॉन्स क्या, ब्लड ग्लूकोज लेवल का कम होना, लेकिन चैनल क्या था, पूरा यूं घूम के आकर, ठीक है, कि जितना पूरा घूमना था ना इस प्रोसेस को सेल सिग्नलिंग, समझ आ गया, ओके। अब दूसरी तरफ सेल सिग्नलिंग भी समझ लो कि आपके पास ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो रहा था तो इंसुलिन आया था, डिक्रीज होगा तो भी तो आपके पास एक रिस्पॉन्स जनरेट होगा। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होगा तो एज अ स्टिमुलस इसको रिसीव करेंगे
और उसके बदले क्या होगा आपके पास, रिस्पॉन्स जनरेट होगा कि ग्लूकोज लेवल बढ़ाना। लेकिन कैसे, जब ग्लूकोज लेवल कम हुआ तो पेनक्रियाज को स्टिमुलेट किया गया, उन्होंने ग्लूकागॉन रिलीज किया, ग्लूकागॉन जाके रिसेप्टर पे लगा। इस दफा रिसेप्टर से अटैच था एक जी प्रोटीन, ये जी प्रोटीन रिसेप्टर से अटैच था, निकलेगा जाके एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा, एंजाइम से अटैच हो जाएगा। जी प्रोटीन क्या है, जी प्रोटीन यहां का सेकेंडरी मैसेंजर है। जी प्रोटीन क्या है, यहाँ का सेकेंडरी मैसेंजर है। तो ये यहां से निकल के जाएगा, उससे बाइंड होगा, उस एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा, और जब ये एंजाइम को एक्टिवेट करेगा ना, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट फिर से वही सीरीज ऑफ रिएक्शन करवाएगा। ये जो ग्लूकोज अंदर आया था ना, जो ग्लूकोज अंदर आया था उसको हमने स्टोर कर लिया था ग्लाइकोजन की शक्ल में। अब वो ग्लाइकोजन आप वापस से तोड़ोगे और वही ग्लाइकोजन टूट के वापस से ग्लूकोज बन जाएगा। जब जैसे ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज आप बाहर भिजा दोगे, तो ग्लूकोज जो कम हो गया था स्टिमुलस के तौर पर, रिस्पॉन्स के तौर पर बढ़ जाएगा। हाँ बोलो। फॉस्फेट टूट रहे हैं, तोड़ेंगे एंजाइम भी वाला यूज करके तोड़ने वाला। हाँ, और फिर मोनोफॉस्फेट उसमें सिर्फ एक होगा, सही है, और फिर साइक्लिक कर दिया उसको। ट्रांसडक्शन इस चीज की हो रही है ना, कि ग्लूकागॉन आके इस रिसेप्टर से लग रहा है, ये पूरा रेट ऑफ एक पूरे ये रिएक्शन करवा रहा है, जिसकी वजह से एटीपी सीएमपी में कन्वर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से फिर सीरीज हो, ये सब ट्रांसडक्शन है। रिस्पॉन्स क्या है, ग्लूकोज का वापस बढ़ जाना। एंजाइम, ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि इस जी प्रोटीन से, ये जी प्रोटीन है आपके पास, ये जी प्रोटीन यहाँ पे जाके लग रहा है, इससे ये एंजाइम एक्टिवेट हो रहा है। सारे कलर आ चुके हैं इसके अंदर, कोई सभी रीडेबल नहीं है। अब बेहतर है ना, सही है। सब सेल मेंब्रेन पे लगेगा। एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा, एंजाइम एक्टिवेट होगा तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सही है। ठीक है गाइस, डन, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर इस चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट हो गया, सही है। इस चैप्टर का वन हाफ, फर्स्ट हाफ कह लो कंप्लीट हो गया, सेकंड हाफ क्या है, मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, सही है। एक मिनट रुकिएगा जरा।